गोवा के प्राचीन हंसदास मठ बड़ा गणपति पर 5 दिवसीय पंचकुंडात्मक विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 26 से 30 जनवरी तक आयोजित इस अनुष्ठान में भगवत प्राप्ति और लोक कल्याण हेतु आहुतियां डाली गई। बसंत पंचमी पर हुई पूर्ण आहुति के दौरान देश भर से आए साधु संत मौजूद रहे। मठ के पंडित पवन शर्मा ने बताया कि विश्व कल्याण, शांति और भगवान की प्राप्ति के लिए लगातार चौथी बार श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया था। श्री हंस पीठाधीश्वर श्री महंत रामचरण दास के पावन सानिध्य बसंत पंचमी पर पूर्ण आहुति सम्पन्न हुई। इस दौरान देश भर से आए साधु संत उपस्थित थे। यज्ञ के बाद सभी संतों और अतिथियों ने सात्विक प्रसादी का लुत्फ भी उठाया। हंसदास मठ में जो 26 जनवरी से पंचकुंडात्मक पंच दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन हो रहा था, उसकी आज पूर्णाहुति बसंत पंचमी के दिन है। और इस पूरे यज्ञ में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को यज्ञ के माध्यम से भोजन कराया गया। यज्ञ में भगवान का भोजन होता है और यज्ञ होने से अच्छी बरसात होती है और अच्छी बरसात होने से धन धान की उत्पत्ति होती है और धन धान की उत्पत्ति होती है। किसान खुश होता तो पूरा सब जगह शांति छाती, किसान खुश होता तो सब खुश हो जाते हैं। तो आज बसंत पंचमी के दिन श्री विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति हंस पीठाधीश्वर श्री महंत रामचरण दास जी महाराज के पावन सानिध्य में और पंडित आचार्य कल्याण दत्त शास्त्री जी के निर्देशन में आज पूर्णाहुति होने जा रही है। गौ माता के सम्मुख और भगवान यज्ञशाला में भगवान पद्मनाथ जी विराजित हैं, जो 1700 की दशक से बाबा हंसदास जी के साथ सभी जितने भी कुंभ मेले के आयोजन हुए हैं सभी कुंभ मेले में उन्हें स्नान किए हैं। सिद्धिव भगवान पद्मनाथ जी जो शालिग्राम रूप में हैं उनके सम्मुख उनके अभिषेक के रोज हो रहा है, उनके अभिषेक के बाद उनके सम्मुख यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ से वाकई में एक शांति स्थापित होगी और विश्व का कल्याण होगा। पंडित पवन शर्मा से हंसदास मठ संस्था इंदौर।